ठीक है बच्चों, तो वी हैव स्टार्टेड विद द टर्म फोर्स। फोर्स क्या था मेरे बच्चों? इट वाज व्हाट? इट अपोशाफल, वाज क्या था? अपोशाफल, और पुल। इट वाज ए पुश और पुल, जो क्या करता था, कैसे पुश करना या पुल करना, तो बॉडी को, रेस्ट वाली बॉडी को कहां पे ले आता मूवमेंट। मूवमेंट, था? मोशन में। और मोशन वाली बॉडी को रेस्ट रेस्ट। में। इट कुड डू दिस टाइप ऑफ थिंग, याद है? और ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता था, ये खींचने पे बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज करता था, ये हमने पढ़ा है। तो ये इफेक्ट है फोर्स के, देखिए क्या क्या इफेक्ट है, देख चेक करिए। वट इज फोर्स? इट इज वट मेरे बच्चों? अपुश बॉडी अपुशार पुल अप्लाइड इट ऑन एन ऑब्जेक्ट। कैन मूव ए बॉडी, इट कैन स्टॉप ए बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप एंड टाइम। इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस, याद है सबको? यस सर। सर फिर हमने पढ़े थे दो तरीके के फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस। जैसे बैलेंस्ड। ब्लॉक को खींचने के लिए दोनों तरफ कैसा फोर्स लगा है? इट वाज इक्वल फोर्स और अनइक्वल फोर्स। इक्वल तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हो? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस, अगर एक तरफ ज्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस के कारण बॉडी रेस्ट पे रहती है, अनबैलेंस के कारण बॉडी मोशन में आ मूवमेंट जाती आती है। है। एनर्जी हमने शुरू तो नहीं करा नो सर। नो सर, था? तो वी विल स्टार्ट विद द टर्म इनर्शिया टुडे। किससे शुरू करना है? इनर्शिया, इनर्शिया। इनर्शिया से। कौन सी टर्म है? इनर्शिया। इनर्शिया, तो बच्चों इनर्शिया का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनर्शिया? ये आज हम समझेंगे। क्लियर? क्या है इनर्शिया? इट इज द विच प्रॉपर्टी मेरे बच्चों? इनहेरेंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? इनहेरेंट। प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच बॉडी रिजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो बॉडी रेस्ट पे है वो कहाँ पे रहना चाहती है? रेस्ट पे। और जो मोशन में है वो कहाँ पे रहना चाहती है? मोशन में, मोशन में। ये कौन बताता है? ऐसा करने के लिए कौन कहता है हमें? इनर्शिया। इनर्शिया। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, इफ ए रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन, इट विल ट्राई टू रिमेन मोशन, मोशन। इन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट मेरे बच्चों? इनर्शिया। इनर्शिया। ग्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। ड्यू टू विच बॉडी रिजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे सिंपल सी बात करो, हमारे कमरे में एक बुक है, वो रेस्ट पे पड़ी है। जिस कमरे में आप बैठे हो अपनी जगह पे पड़ी है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाते क्या आप अपनी जगह से हिल जाएगी? नो सर, वो कहां पे रहेगी तब तक? रेस्ट एट पे। रेस्ट। कब हिलेगी? जब हम फोर्स लगाएंगे। तो कौन रोकता है उसको, कौन मजबूर करता है ऐसा करने के लिए? एनर्जी। अच्छा। क्या कहती है? कि रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। क्लियर हो गया? यस यस सर। तो बेटा मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपके पास ना एक पत्थर है 1 kg का, एक छोटा सा पत्थर है। कितने केजी का है मेरे बच्चों? 1 kg केजी। का। 1 kg स्टोन छोटा। दूसरा स्टोन है 1000 kg का, बहुत बड़ा चट्टान ही है इतनी बड़ी। किसको हिलाना इजी है? 1 kg वन वाले के को। जी वाले को क्यों? क्योंकि इसका मास कम है इनर्शिया। और उसका इनर्शिया भी कम है।
इसका मतलब इसको हिलाना इजी, इसको हिलाना डिफिकल्ट। फिजिक्स क्या कहती है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, कम है। जितना मास कम होएगा उतना हिलाना आसान। हमारे घर में आप एक बुक रख दो, एक बुक को हिलाना सौख है, लेकिन अगर 100 किताबें इकट्ठी रखी होंगी उनको हिलाना मुश्किल। तो इसका मतलब जितना मास कम होता है उतना एनर्जिया भी कम, जितना मास ज्यादा उतना एनर्जिया भी ज्यादा। तो ये लाइन देखिए, मास इज ए मेजर ऑफ व्हाट मेरे बच्चों? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर एनर्जिया। में वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बताइए एक साइकिल का एनर्जिया ज्यादा है क्या ट्रक का? ट्रक का क्यों भाई, ट्रक का एनर्जिया क्यों ज्यादा है? ज्यादा मास है, क्योंकि उसका मास भी क्या होगा मेरे बच्चों? ज्यादा। मोर इज द मास, मोर इज द एनर्जिया। ये देखिए, ये स्टोन ऑफ ए साइज ऑफ ए फुटबॉल, स्टोन और फुटबॉल है दोनों का सेम साइज है, स्टोन का और फुटबॉल का, लेकिन किसका एनर्जिया ज्यादा होएगा? स्टोन का, क्योंकि वो क्या होगा फुटबॉल से लाइट के हैवी। क्रिकेट बॉल का एनर्जिया ज्यादा होएगा कि रबड़ की बॉल का? क्रिकेट बॉल, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है। किसी को डाउट हो एनर्जिया के बारे में? नो सर। एनर्जिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मजबूर करती है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो कहाँ पे रहे? रेस्ट पे। मोशन में कहाँ पे रहे? मोशन। अगर कोई पूछे आपके कमरे में जो चेयर है वो रेस्ट पे क्यों पड़ी है, आप क्या बोलोगे? कौन करता है, कौन कहता है उसको रेस्ट पे रहने के लिए? इनर्शिया। जितनी चीजें भारी होती है उतना इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर डाउट। Any doubt to anyone? चले आगे। Yes sir. Yes sir. एनोटेशन बंद करिए भाई। हाँ जी, एक एक्टिविटी है छोटी सी, इसे क्लियर करेंगे एनर्शिया के बारे में। Can you see the screen clearly? Yes, sir. Yes. क्या किया, कैरम बोर्ड सब खेलते हैं, हमने क्या किया एक कैरम बोर्ड पे क्या तैयार किया बेटा? बहुत सारे क्या रखे हुए हैं कैरम बोर्ड के? कॉइन, जिसको गीटियां बोलते हो। यस सर। यस सर। ये इसको क्या बोलते हो, उसके नाखून से अंगूठे से मार रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइकर। यस, स्ट्राइकर। उसने हिट किया कौन सी वाली गीटी से? टकराया बॉटम वाली से। आपने क्या देखा, सारा फोर्स किसके ऊपर लगा? बॉटम वाली पे। कारण है कॉइन। यस सर। यस। तो वो कहाँ पे रहनी चाहिए थी? बेटा जो बॉडी रेस्ट पे कहाँ पे रहती है? रेस्ट पे। रेस्ट पे। लेकिन जब कैरम बोर्ड की स्ट्राइकर आके गिरता है, बाकी चीज सारे रेस्ट पे रहते हैं कि वो भी मोशन में आ जाते हैं?
सर सिर्फ नीचे वाला मूव करेगा। किसके ऊपर गिर जाते हैं सारे कॉइन? प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सारे कैरम बोर्ड के ऊपर गिर जाते हैं। ये हमने एक्सप्लेन करना है क्यों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, प्लीज लिसन केयरफुली। तो बताइए, जो लोअर वाला कॉइन था, लोएस्ट वाला, बॉटम वाला कह लो, वो कहाँ पे है? प्लेटफॉर्म पे। रेस्ट पे है? रेस्ट पे। तो साइकिल से हिट किया, मोशन में आ गया। मोशन में आ गया। लेकिन बाकी कॉइन कहाँ पे रहना चाहते हैं? रेस्ट पे। रेस्ट पे। वो तो मोशन में आना नहीं चाहते, इसलिए वो कहाँ पे गिर जाते हैं? जमीन पे, सरफेस पे। ताकि वो जहाँ पे जाके किस में आ जाए? रेस्ट पे। रेस्ट पे। तो आपने क्या बोलना है? When we hit the bottom coin with the striker, the bottom coin comes in motion, but the other coin try to remain at rest. That is why they fall and remain at rest. वो rest पे ही रहना चाहते थे और ऐसा करने के बाद वो rest पे ही रह गए। बताइए, सबको समझ लगी? किसके ऊपर फोर्स था? नीचे वाले पे, वो आ गया मोशन में। ऊपर वाले पे तो मैंने फोर्स लगाया नहीं, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, नीचे गिर के रेस्ट पे आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस्ट। इनर्शिया। इनर्शिया। एनी डाउट? नो सर। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। करें अगली एग्जाम्पल। यस सर। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एनी अदर चाइल्ड कैन आल्सो एक्सप्लेन? अब ये तो क्लियर हो गया, जिस चीज के ऊपर फोर्स लगता है वही चीज मोशन में आती है, बाकी चीजें रेस्ट पे रहना चाहते हैं, उनको रेस्ट पसंद है। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है ऐसा करने के लिए? इनर्शिया। कोई भी चीज हिलना नहीं चाहती, वो रेस्ट पे रहना था जब तक फोर्स ना लगे। तो हु कैन एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी? फटाफट, हु कैन एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी बच्चों? सर जाना है। क्या है एक्टिविटी, बोलिए आप। कौन बोलेगा आप में से? सर क्या है? आप बोलो। ग्लास है, ऊपर कार्डबोर्ड है, कॉइन है, तो क्या कर रहे हो आप? सर हमने जो कार्डबोर्ड को फ्लिप किया, हॉरिजॉन्टली को स्ट्राइक किया और उसको मोशन में ला दिया रेस्ट से, और जो कॉइन था वो रेस्ट पे रहना चाहता था इसलिए वो ग्लास में गिर गया। वेरी गुड। कॉइन के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया का पहला टाइप है, जो बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Inertia of rest. Inertia of rest. This is the meaning of inertia of rest. A body at rest will try to remain at rest. Any doubt? No, sir. No, sir. तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? हमने हिट किया कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, कॉइन के ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाया, वो रेस्ट पे रहना चाहता था, वो रेस्ट पे ही रहे। इज एवरीबॉडी क्लियर विद बोथ द एक्टिविटीज? यस सर। चले आगे। यस सर। तो और एग्जांपल्स भी क्लियर करते हैं। एक मैं समझाऊंगा, दो आपसे पूछनी, बाकी बच्चे जो चुप करके बैठे हैं वो भी बोल देंगे। एग्जांपल्स ऑफ व्हिच प्रॉपर्टी बच्चों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? यस सर। यस सर। तो पहली एग्जांपल देखिए, अब ये तो याद हो गया है क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट?
बॉडी टेंस तो बॉडी रहती है मेरे बच्चों द इनबिलिटी टू चेंज द स्टेट द इनबिलिटी क्या मतलब है बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती है सो इट विल नॉट मूव फॉर मोशन वाली लेकिन रेस्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं A passenger in a bus jerks backward when the bus starts suddenly. जब बस अचानक चलना शुरू होती है पैसेंजर बैकवर्ड जर्क महसूस करता है पैसेंजर टेंड्स टू बी इन इनर्शिया ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है मैम अनम्यूट कर देना अगर किसी बच्चे ने हैंड रेस किया तो Yes, nobody is there. Sir, can I? चलो आप ही कर दो explain कौन करेगा? Sir, one simple. Sir. Sir, because a passenger gets backward jerk because. उच्ची बोल लो उच्ची. Sir, passenger jerk his back पीछे इसके होता है क्योंकि bus पहले rest पे थी इसलिए वो भी rest पे था लेकिन जब movement हुई तो तो हमारी बॉडी उसके उस स्टेट के लिए यूज हो जाती है और हम भी रेस्ट पे हो जाते हैं पर जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो इनर्शिया की वजह से हम बैकवर्ड्स हो जाते हैं नहीं, 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 नहीं। अब सुनिए ध्यान से जब हम बस में बैठे थे या अपने हॉर्स की एग्जाम्पल उससे ज्यादा इजी समय लगता है जब हॉर्स अचानक भागना शुरू करता है ना वो मैं समझाता हूँ अभी समझाना जब हॉर्स अचानक भागना शुरू करता है तो हम पीछे की तरफ बेंड करते हैं मूवीज में दिखाते हैं डाकू वगैरह जब दौड़ना शुरू करते हैं तो पीछे को जाते हैं वो पकड़ते हैं उसकी लगाम जिसको बोलते हैं तो जब आप पूरे बॉडी बैठे हो हॉर्स के ऊपर या बस में हॉर्स वाली कंपनी ले रहे हैं तो आपका कौन सा हिस्सा हॉर्स के साथ जुड़ा हुआ है बॉडी का लोअर पार्ट या अपर पार्ट लोअर पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद द हॉर्स अपर पार्ट तो हवा में है जैसे ही हॉर्स ने दौड़ना शुरू किया किस हिस्से पे फोर्स लगा लोअर पार्ट लोअर पार्ट अपर पार्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ लोअर पार्ट पे लगा फोर्स तो जब लोअर पार्ट पे फोर्स लगा वो हिस्सा तो मोशन में आ गया लेकिन अपर पार्ट में तो बेचारा फोर्स लगा नहीं वो कहाँ पे रहना चाहता था रेस्ट पे वो कहाँ पे रहना चाहता था मेरे बच्चों रेस्ट पे अब देखना मेरी तरफ कैन यू सी माय वीडियो एम आई विजिबल टू यू सर ये देखो एम आई विजिबल मेरी शक्ल दिखाई दे यस के नो यस सर यहां पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है अगर इसका मैं लोअर पार्ट मोशन में लेके आ जाऊं देखना इसका लोअर हिस्सा मोशन में ले आता हूं तो अपर हिस्सा किधर को जाएगा अपर हिस्सा बैकवर्ड बैकवर्ड किधर पे जा रहा है बैकवर्ड किधर पे जा रहा है बैकवर्ड तो लोअर हिस्से पे फोर्स लगा ये तो मोशन में आ गया लेकिन ऊपर वाला हिस्सा किधर को गया ये मोशन में ये किधर को जा रहा है बैकवर्ड तो क्या बोलना है आपने व्हेन द हॉर्स स्टार्ट रनिंग द लोअर पार्ट कम्स इन मोशन एंड द अपर पार्ट रिमेन एट रेस्ट दैट्स व्हाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट That is why the person bends in which direction? Backward direction. अब बताइए बस वाली example. सलील मनन. सलील. मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सलील को. Sir, yes, I have done. बोलो सलील. Sir, I have to tell example number 2. Yes. Sir, I have to explain example number 2. नहीं नहीं बात नहीं करो ओके सर सर व्हेन द बस स्टार्ट्स द पैसेंजर व्हिच वांट्स अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर व्हिच वांट्स टू बी एट रेस्ट
suddenly jerks back, but the lower part, which is in contact with the bus, stays with it, but the upper part jerks back because of the inertia of rest. Yes, the upper part tries to remain at rest. That is why it bends backward. Good answer. Hriday Sharma. Good morning, sir. Second example, can you explain that? जब बेडशीट काटते हो घर में तो मिट्टी क्यों उड़ने लग जाती है? प्रियंका वोरा, चलो मैं करता हूं, सुनो ध्यान से बेटा. जब तक जिस चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगता वो रेस्ट पे रहना चाहती है. जब मैंने चादर को झाड़ा, कपड़े के ऊपर फोर्स लगाया, मैं मिट्टी पे थोड़ी फोर्स लगाया, कपड़ा तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट के पार्टिकल्स कहाँ रहना चाहते हैं? रेस्ट. तो वो अपने आप को चादर से अलग कर लेंगे, जमीन पे गिर जाएंगे. वहां जाके वो कहां पे आ जाएंगे? रेस्ट पे. जब कैरम बोर्ड वाली एग्जांपल दी थी, स्ट्राइकर ने तो नीचे वाली गिटी को लगा था, ऊपर वाली गिटियां नीचे क्यों गिर गई थी? क्योंकि वो कहां रहना चाहती हैं? रेस्ट. उनको क्या पसंद है? रेस्ट. प्रॉपर्टी के कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यस. तो आपने क्या बोलना है? जब हम बेडशीट को झाड़ रहे थे, बेडशीट तो मोशन में आ गई, लेकिन जो उसके साथ मिट्टी चिपकी हुई थी वो कहां पे रहना चाहती थी? रेस्ट. तो वो अपने आप को बेडशीट से अलग करेगी, कहां पे गिर जाएगी मिट्टी सारी? फ्लोर पे. और डस्ट पार्टिकल्स फॉल एंड सेटल इन द ऑन द अर्थ. समझ लगी बच्चों? यस सर. लास्ट बोलिए अब. ये सबको आना चाहिए आंसर. आंसर विल बी एक्सप्लेन्ड बाय नरिंदर. 36 रोल नंबर रेड. When the branches of a tree are shaken, fruits नीचे गिर जाते हैं. हमने branches को हिलाया जोर जोर से, लेकिन गिर कौन गया नीचे? Fruit, mango. बोलिए जी नरेंद्र. चलो प्रनीत आप ही बता दो. प्रनीत कौन? प्रनीत कौन? जब हम ब्रांच को हिलाते हैं तब जो मैंगो है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, इसलिए जब हम ब्रांच को मोशन में लाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं रेस्ट पे रहने के लिए. आ जाते हैं मोशन में के रेस्ट पे. कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है उनको? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. कितने बच्चों को इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया? The inability of a body to change the state of rest by itself. The body rest पे कहाँ पे रहना चाहती है? Rest पे. जब तक motion. जब तक कोई force apply करता. पांच छह examples करी हैं. सारी examples clear हो गई? Yes sir. Any child who wants to ask anything? गूगल फॉर्म प्लीज मैम सेंड करेंगे तो प्लीज इसको भर देना आप. मैम यू आर द होस्ट नाउ. यस सर. थैंक यू मैम. गूगल फॉर्म प्लीज शेयर कर देना. यस सर. चले बच्चों आगे. यस सर. अगली कौन सी टर्म आएगी? इनर्शिया ऑफ मोशन. कौन सी टर्म है?
इनर्शिया ऑफ मोशन. इसमें सात एग्जांपल्स दी हुई हैं, दो तीन जितनी होती हैं आज हम करेंगे. क्या कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन? जो बॉडी मोशन में है वो कहाँ पे रहना चाहती है मेरे बच्चों? मोशन में. और जो रेस्ट पे है वो तोरे वाली बात खत्म हो गई. आपने क्या बोलना है? तो बॉडी इन मोशन विल ट्राई टू बी इन मोशन. अप्लाई फोर. जो बॉडी मोशन में नहीं जाती रुकना, वो चलती रहना चाहती, चली जाए. कब तक? जब तक हम फोर नहीं करते. तो बोलो डेफिनेशन इनर्शिया मोशन की. द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू बी इन मोशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड. पैसेंजर इन द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट इनएबिलिटी बोलना है, टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन. इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन. तब तक जब तक हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते. तो बच्चों इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी दी हुई है. पहली एग्जांपल वही है पांती वाली. क्या है पहली एग्जांपल? ए पैसेंजर इन ए बस जस्ट फॉरवर्ड. जब हमने ब्रेक लगाई, सबको पता है मोटरसाइकिल की लगाओ, स्कूटर की लगाओ, कार की लगाओ, अचानक आगे को गिरते हैं. तो वही पुराना तरीका. देखिए इधर, जब हम कार में बैठे हैं, मोटर बाइक पे, बस में, किसी भी चीज में, हॉर्स के ऊपर, तो हमारी पूरी बॉडी मोशन में, ऑल ऑफ द बॉडी इज इन मोशन. लेकिन कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है? बॉटम पार्ट. लोअर पार्ट तो कॉन्टेक्ट में है, अपर पार्ट कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है? वो बोलो भाई. लोअर पार्ट जुड़ा है, अपर पार्ट जुड़ा नहीं है. तो पूरी बॉडी चल रही थी, अचानक ब्रेक लगी. अचानक क्या लगी? ब्रेक. लोअर पार्ट कहाँ पे आ गया? रेस्ट पे. लेकिन अपर पार्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. वो कहाँ पे रहना चाहता है? मोशन में. किधर को जाएगा चीज? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. तो पैसेंजर इन ए बस जंप्स इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हेन द बस स्टॉप सडनली बिकॉज पैसेंजर टेंड टू बी इन इनर्शिया मोशन व्हेन द बस इज स्टॉप. लोअर पार्ट कहाँ पे आ गया? रेस्ट पे. अपर पार्ट कहाँ रहना चाहता है? मोशन में. मोशन में. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. मोशन. एनी डाउट? नो सर. नो सर. कोई दिक्कत हो गई? सेकेंड वाली एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा 100 मीटर की रेस लगाते हो, 200 मीटर की रेस लगाते हो, क्या 100 मीटर की रेस लगाने के बाद वहीं रुक जाता है कि थोड़ा सा दौड़ता रहता है? दौड़ता रहता है. क्या एकदम से रुकना सही रहता है? जैसे प्लेयर बॉल कैच करते हैं कई बार तो वो बाउंड्री लाइन से पार चले जाते हैं, ऐसे सीट दौड़. क्यों? Why the athlete runs certain distance? Because of inertia of motion. Inertia of motion के कारण उसकी body कहाँ पे रहना चाहती है? Motion में. Motion में. और इसलिए चाहते होने के बावजूद भी the body remains in motion. Due to which property बच्चों? Inertia of motion. The body in motion tries to remain in motion. Called inertia of motion. Motion. Any doubt? No sir. Any questions in your mind? No sir. Third example भी वही हो गई. Car always move certain distance before coming to rest. Example, rotating fan क्यों चलता रहता है? बंद करने के बाद भी स्विच ऑन करते थोड़ी देर क्यों चलता रहता है?
Because it tries to stay in motion. Because उसके जो fans हैं वो कहाँ पे रहना चाहते हैं? Motion में. Due to which property? Inertia of motion. Pendulum भी पता है, घर में भी clock भी है. क्या वो उसी जगह पे रुक जाता है mean पे के continue to move further? Continue to move. Due to which property it is possible? Inertia of motion. कौन सी प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है बेटा, पहले सेवंथ करते हैं. वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल दी, ये नहीं करनी है. सेवंथ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहते चलती हुई बस से जंप करना बड़ा ही खतरनाक है, आपके चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है आपका बड़ा खास. जब आप बस में थे, चलती बस में खड़े थे दरवाजे पे, तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी कि पूरी बॉडी मोशन में थी? मोशन में. सब मोशन में. तो पूरी बॉडी मोशन में, आपने जंप लगाया. तो जब आप जंप लगा के चलती बस से, तो आप जमीन पे गिर गए. कौन सा हिस्सा टच किया जमीन को? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. जमीन के साथ वो रेस्ट पे आ गए, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे कोई बोर्ड नहीं था. कहाँ पे रहना चाहता है ऊपर वाला हिस्सा? मोशन में. किसके बाहर गिर जाएगा? आगे की तरफ. ग्राउंड पे गिर जाएगा. That is why the person will remain in क्या? Motion. Motion. और मुंह के बाहर गिरेगा तो उसकी हड्डी पतली, मुंह, नाक, सिर, कुछ भी चोट लग सकती है. That is why it is dangerous to jump out of a which bus मेरे बच्चों? Moving bus. कैसे लिखना है? When the person is in moving bus, the whole of the bus is in motion. So the lower part is also out. His feet touches the ground. Lower part comes at rest. Yes. But the upper part tries to remain in motion. That is why the person falls in downward direction. Forward direction. Any doubt? No sir. कोई दिक्कत हो? सर. किसने कुछ पूछना इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर जो लास्ट वाला आपने एग्जांपल बताया, उसमें फुल बॉडी मोशन में होगा या लोअर पार्ट? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंची बोलिए. सर मैं कह रहा हूँ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी मोशन इन द सेवंथ एग्जांपल. नहीं नहीं, लोअर पार्ट तो चिपक गया उसके साथ, वो तो रेस्ट पे आ गया. अपर पार्ट मोशन में रहा तो बर्तन मुंह के बाहर आके गिर जाए. ओके सर. हाँ जी, फॉर्म भर दिया सबने? यस सर. ठीक है मैम, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच मैम. प्लीज थैंक यू सर.